हेलो फ्रेंड्स, निवेदिता कुकिंग वाल में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे मोरिंगा लीफ की पकोड़ा व सूजने पातर पकोड़ा। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। सूजने का पत्ता लेना है और इसको हमें अच्छा से धो के साफ कर लेना है। मैंने इधर एक कप सूजने पत्ता बहुत अच्छा से धो के चॉप कर लिया है। अभी इसमें एक छोटा सा ऑनियन चॉप करके डालेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली और एक मीडियम साइज़ का आलू बहुत अच्छा से धो के हमें ग्रेट कर लेना है। और ग्रेट करने के बाद फिर से हम बहुत अच्छा से धो के इसका जो पानी है तो बहुत अच्छा से निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून पहले बेसन डालेंगे, फिर 2 टेबलस्पून हमें इसमें राइस फ्लावर डालना है। और डालने के बाद हमें बहुत अच्छा से इसको मिक्स करना है। इसमें अभी पानी देने का कुछ ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे ही, क्योंकि पत्ते से भी पानी निकलता है और जो आलू हमने ग्रेट करके रखे थे उससे से भी पानी निकलेगा। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें हमें 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून पानी इसमें ऐड करेंगे। अभी पकौड़ा का शेप बना लेंगे और ऑयल भी बहुत अच्छा से गर्म हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें पकौड़ा को फ्राई कर लेना है। तो देखिए, एक साइड बहुत अच्छा से फ्राई हो जाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और जो स्पैचुला है उसी के सहायता से हमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देना है। तो अंदर से भी अगर कुछ भी लगे कि कच्चा लग रहा है तो पर नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा से फ्राई हो जाएगा और क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा हमारा रेडी हो जाएगा। अब चाहे तो पकौड़ा को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये पकौड़ा रेडी हो गया है और क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।